क्या तो पहलवान बेटियों को टाइम पास बताया। लेकिन अभी पुलिस वाले ने कहा है वो बीजेपी से नहीं थी। अरे पट्टा का पट्टा कहा था, पट्टा नहीं दिखाई दे रहा क्या उनको? महिला है तो महिला की तरफ ना बोलती वो, महिला की तरफ काम बोल रही वो लड़की। हाँ गलत है तो वो भी गलत है। आप बहुत गुस्से में लग रही है। अरे लड़की गलत है वो नहीं गलत है, वो अच्छी है। वो कहाँ से आई है? बम्बई आगरा से। सवाल होगा, सवाल हो किसी का जवाब नहीं देंगी वो, क्योंकि उनके पास कोई जवाब ही नहीं है। क्या सवाल करोगे आप? 30 दिन हो गए जवाब देना होता, कभी का मिल चुका होता। धक्का उन लोगों ने मारा, हमने नहीं मारा, ना हमने कुछ बोला है। तो क्या? हमने ये बोला है कि बेटियों का समर्थन करने के लिए आ रहे हो, किस लिए आए हो आप लोग बताइए? आप किस लिए आए हैं? ये जो बीजेपी के सांसद है, बीजेपी वाले सांसद है यार, हमारे धंधे को भंग करने आ रहे हैं ये लोग। अगर इनकी बेटी होती तो क्या ये चुप बैठते? भारतीय जनता पार्टी वाले वो टाई से लटका के आगे, भारतीय जनता कुत्ता का सा पलटा है इनका ये। हाँ ये भारतीय जनता पार्टी इनको बांध रखा है, ठीक है, और बेटियों का हक हम दिलवा के रहेंगे। अगर कितने भी भारतीय जनता पार्टी आ जाए, ये इनको भेजा जा रहा है। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे एक बार वो विजुअल दिखाए जहाँ पे वो भारतीय जनता पार्टी की एक महिला है यहाँ पे आई है, किस प्रकार से मीडिया ने उनको घेर लिया है और उनको तमाम सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन वो एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पा रही है। वो भीड़ में अभी है और पुलिस वाले भी यहाँ पे मौजूद है। आप देख सकते हैं पहली बार कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता यहाँ पे आया है और वो भी महिला है, और वो कह रही है कि बेबुनियादी है इनका जो आरोप है, वो बेबुनियाद है। हमने उनसे बात भी करी है और आप देख सकते हैं तमाम पुलिस वाले उनके संरक्षण में आ चुके हैं। देखिए यहाँ पे बहुत भीड़ है और पुलिस वाले भी यहाँ पर हैं और उन्होंने कहा है कि पहलवान जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो गलत है और बेबुनियाद है। हम इनसे बात करेंगे। अरे अभी तो अभी मेरा पट्टा पड़ा हुआ है, मैं डर के नहीं आई यहाँ पर किसी से। सुनिए सरकार का पट्टा है अभी। हाँ केजरीवाल, केजरीवाल में जो है केजरीवाल जी करा रहे हैं, केजरीवाल करवा रहा है सारा कुछ, केजरीवाल सोशल कर रहा है केजरीवाल। इधर देखिए हम कुछ और लोगों से बात कर रहे हैं, सुनिए क्या कहेंगे, क्या कहेंगे। उसे जाने दे, उसको भटकने दे, उसके सामने से हट जाइए सब लोग, सब लोग उसके सामने से हट जाइए। क्यों? वो तो अभी सरकार में, उनसे सवाल तो करेंगे। सवाल होगा, सवाल हो किसी का जवाब नहीं देंगी वो, क्योंकि उनके पास कोई जवाब ही नहीं है। क्या सवाल करोगे आप? 30 दिन हो गए जवाब देना होता, कभी का मिल चुका होता। वो जवाब देना नहीं चाहते हैं, वो सिर्फ यहाँ तो आंदोलन को बदनाम करके आंदोलन को खराब करना चाहते हैं, यहाँ का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। पूरे जब तक लगभग एक महीना होने वाला और पहली बार कोई बीजेपी का नेता यहाँ जंतर मंतर पे आया और लोगों ने उसे इतने सवाल किए कि वो अभी जा चुकी है, पुलिस प्रशासन उनको लेके चली गई है। हम इनसे बात करेंगे, क्या कहेंगे? कौन बीजेपी की नेता आई थी? अरे वो अकल नहीं है उनमें, बुद्धि नहीं है। हाँ? अकल नहीं है उन्हें, बुद्धि नहीं है उन्हें। अरे वो महिला है। अरे महिला है तो महिला की तरफ ना बोलती वो, महिला की तरफ काम बोल रही वो, बोल रही है महिला गलत है, ये लोग गलत है। वो जेंट्स की तरफ बोल रही है, आदमी की तरफ बोल रही, जेंट्स की तरफ नेताजी की तरफ बोल रही वो, लड़कियों की तरफ काम बोल रही वो। हाँ तो लड़की के बारे में बोल रही है कि लड़की गलत, लड़की हाँ गलत है तो वो भी गलत है। आप बहुत गुस्से में लग रही है। अरे लड़की गलत है वो नहीं गलत है, वो को अच्छी है वो। कहाँ से आई है? बम्बई आगरा से। बम्बई आगरा से ज्यादा नाराज है और ये बोली है बम्बई आगरा से। हमारे किसानों पर लाठीचार्ज करवाएंगे क्या? धमकी दिया इन्होंने। क्या धमकी? इन्होंने धक्का क्यों मारा क्या? मैं पूछना चाहता हूँ इन लोगों को से, क्यों धक्का मारा? उनका कौन सा अधिकार है? एक महिला है तो उसको इज्जत से पेश आएंगे। अरे सर ये बताइए, हमने कुछ बोला है? बताइए ना, हम अपना इंटरव्यू दे रहे थे। हाँ। उन्होंने खुद बोला है कि ये टाइम पास के लिए बैठी जा रही हैं। बताइए, उन्होंने बोला टाइम पास? और क्या, पहलवान बेटियों को टाइम पास बताया। लेकिन अभी पुलिस वाले ने कहा है वो बीजेपी से नहीं थी। अरे पट्टा का पट्टा कहा था, पट्टा नहीं दिखाई दे रहा क्या उनको? ये पुलिस प्रशासन का पट्टा नहीं दिखाई दे रहा क्या? बताइए ना। अरे मैडम, कोई भी डाल के आ जाएगा। अरे भैया यार, कोई बात आ गई, नकली डाल के आ जाएगा। मैं इनको नकली डाल के, मैं ये बोल देंगे नकली आ गया। समर्थन कर रही है, समर्थन कर रही है यार। यार वही बताइए, समर्थन दे रहा है उसको। कानून पे भरोसा नहीं है आपको? किस पे? कानून पे भरोसा है या नहीं? मैडम इतना टाइम हो गया हमारे, वो कानून पे भरोसा था ना, अब क्या है कानून पे भरोसा? बताओ ना, अब वो सपोर्ट करने के लिए आ रही थी क्या वो? बताइए ना, अगर सपोर्ट करने आती ना तो बीजेपी का पट्टा लटका के नहीं आती वो। बात सुन लीजिए,
और मैं कह रहा हूँ ये चाल खुशी जा रही है। अरे तो खुश हो जाइए ना, कोई बीजेपी क्या खुश होते, आज वो हमारे बेटियों का टाइम पास बताया जा रहा है। बताइए क्या खुश हो रहे हैं, बताओ ना। उनके उनके परिवार बोले पे क्या भीतरी है, उनको पता है क्या? अगर उनकी बेटी बैठी रहती उनमें भीतरी क्या ऐसी बात बोलती क्या? वो बताइए, बोलती ये बात बीजेपी का नहीं है, बताइए ना। आप कैसे बोल रहे हैं? पुलिस वाले कह रहे हैं। पुलिस वाले थोड़ी पुलिस वाले, पता पुलिस वाले क्या बोलेंगे? पुलिस वाले तो उनकी सपोर्ट कर रहे हैं। वो बताइए, पूछ लेता उनसे, उनसे पूछो जाके। उन्होंने आई जब बीजेपी का पट्टा लेके आई, उनको रोका के तुम मैडम कहाँ जा रही हो, बताओ ना। ऐसा कोई उनको समर्थन देने का रहा है? बीजेपी का कार्यकर्ता है और अगर वो समर्थन में आ रहा है तो क्या दिक्कत? उनका क्या तरीका है धक्का मारने का? क्या आपके सामने बोला ना कि बहुत कुटवाऊंगा, आप भी तो थे वहाँ पे, बताओ। उनको चैलेंज दे रहे हैं हमें, वो बताओ, खुला चैलेंज दे रहे हैं वो लोग। जब ये बात बताइए, मैं आम आदमी पे और कांग्रेस पे हमला बोल रही है वो डायरेक्ट, तो देख सकते हैं लोगों में रोष है, गुस्सा है अभी बीजेपी। आपको हमने दिखाया कि अभी बीजेपी का पट्टा डाल के, यानी कि बीजेपी का तौलिया लगा के एक महिला आई थी यहाँ पे। हालांकि मैंने आपको विजुअल दिखाया, एक बार और आप देखिए उधर, कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से वो आई थी। भारतीय जनता पार्टी की एक महिला थी, कार्यकर्ता थी बीजेपी की, और वो अभी जा चुकी है यहाँ से। पहली बार यहाँ पे कोई बीजेपी का नेता आया है और उसको पब्लिक ने, जो लोग यहाँ पे मौजूद थे, उनसे इतने सवाल पूछे कि उनको आखिरकार यहाँ से जाना पड़ा। आपकी इस पूरी खबर पे क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। धन्यवाद।